नमस्कार, जीएसटीवी में आपनु स्वागत छे। हूँ छू भद्रेश, आप जोई रहा छो नॉनस्टॉप अंदाज में नेशनल समाचार। ब्रिटन की मुलाकाते गयेला कांग्रेस नेता राहुल गांधी आपेला निवेदन बाद केन्द्रीय प्रधान अनुराग ठाकुरे प्रतिक्रिया आपी छे। तेमणे जणाव्युं के राहुल गांधी चूंटणी में मळेली हार ने पचावी शकता नथी, जेथी तेओ विदेश में जईने भारत ने बदनाम करी रह्या छे। आजे दुनिया में पीएम मोदी नुं सन्मान वध्युं छे तो अनुराग ठाकुरे राहुल गांधी ने सवाल कर्यो कि शुं राहुल गांधी ने भारत ना बंधारण अने बंधारणीय संस्था पर विश्वास नहीं। राहुल गांधी ना मगज में पेगासस छे अने राहुल गांधी ए भारत आवेला इटली ना पीएम ने सांभळवा जोईए। लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस हैव पेगासस ऑन माय फोन ऑन देयर फोन। आई हैव बीन कॉल्ड बाय इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हु टेल मी लिसन प्लीज बी केयरफुल व्हाट यू आर सेइंग ऑन द फोन बिकॉज़ we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. Cases on opposition, I've got number of criminal libel cases for things that, you know, should under no circumstances be criminal libel cases, but that's the story, right? आते हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ फिर एक बार हुआ है और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जी अब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे उनको पता था और ये पेगासस कहीं और नहीं उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पेगासस मामले बात करी थी, जे बाद भाजपा केटलाक नेताओं तेमना निवेदन ने लेने टिप्पणी करी थी। भाजपा नेताओं निवेदन बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ाए भाजप पर तीखा प्रहार करता कहूं कि जयरे भाजप इजरायल लोगों की साथ मड़ी कांग्रेस केटलाक नेताओं फोन में पेगासस इंस्टॉल करी सके, बीबीसी की ऑफिस में रेड करी सके, तरह देश अपमान नहीं थतो तेम कहीने पवन खेड़ाए भाजपा नेताओं पर शाब्दिक प्रहार कर। आप इजराइल के साथ मिलकर अपने ही देश के विपक्ष के फोन में पेगासस लगवा रहे थे, तब नहीं सोचा कि विदेशों के साथ लेकर ये क्यों कर रहे हैं? हम तो सिर्फ चर्चा कर रहे हैं इसकी। क्या तब जब पेगासस का मामला उछला था तो विश्व ने नहीं पढ़ा होगा? ये किस जमाने की बात कर रहे हैं? ये उस जमाने की बात कर रहे हैं जब अखबारें छपती थी, एक एक हफ्ते बाद पहुंचती थी। अब तो सोशल मीडिया, अब तो ANI को बाइट भी पूरे विश्व ने देख ली। ये वो जमाना है, इन्हें नहीं समझ में आता। बीबीसी पे जब रेड करते हैं तो क्या लंदन को नहीं मालूम पड़ेगा कि रेड हुई है बीबीसी पर? तब नहीं लोकतंत्र कमजोर होता। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस पार्टी नेतृत्व परिवर्तन सहित केटलाक निर्णयों लीधा है, परंतु तेनाथी तेमनी चूंटणी जीतवा में सफलता मिली रही नहीं। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड की चूंटणी में जे रीते कांग्रेस ने हार नो सामनो करवो पड़ो ते रीते तो एवं लगे कि जो थोड़ा समय में कांग्रेस कोई नक्कर एक्शन नहीं ले तो वास्तव में तेमनी राजकीय सफर पूर्ण थी जाए। कांग्रेस ना विरोधी पक्षों घनी वक्त कांग्रेस मुक्त भारत की बातों करता रहा है, जयरे हवे कांग्रेस प्रदर्शन जोता तो आ शब्दों साचा पड़ता होय तेम लागे छे। त्रण राज्यों में विधानसभा की 180 सीट में कांग्रेसे मात्र 8 सीट पर जीत मेळवी छे, जयरे नागालैंड में तो कांग्रेस खातु पण खोलवामां सफल रही नथी। त्रिपुरा में मात्र 3 सीट और मेघालय में मात्र 5 सीट पर ज कांग्रेस जीती छे। कांग्रेसना पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबियत अचानक बगड़ी छे। मळती माहिती मुजब सोनिया गांधी ने ताव आवता तेमने सर गंगाराम हॉस्पिटल में दाखल करवामां आव्या छे। हॉस्पिटल तरफ थी कहेवामां आव्युं छे कि सोनिया गांधी हजू पण निरीक्षण हेठळ छे, तेमना मेडिकल टेस्ट करवामां आवी रह्या छे, जो कि हाल तबियत स्थिर होवानुं कहेवायुं छे। सोनिया गांधी की सारवार चेस्ट मेडिसिन विभागना सीनियर कंसल्टंट डॉक्टर अरूप बासुनी देखरेख हेठळ चाली रही छे। सर गंगाराम हॉस्पिटल ट्रस्टना अध्यक्ष डॉक्टर DS राणाए सोनिया गांधी स्वास्थ्य अहवालों ने सामान्य गणाव्यु छे। आ पहला पण तेमने 4 जानुआरी सर गंगाराम हॉस्पिटल में दाखिल करवामां आव्या हता। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार कर्नाटक पहुंचा था, ते दरमियान अमित शाह कांग्रेस पर आकरू निशान साध्यु हतु। तेमणे 3 पूर्वोत्तर राज्यों में कांग्रेस की हार पर कटाक्ष कर्यो अने कह्युं कि त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय परिणामों आव्या छे। 3 राज्यों में कांग्रेस सफायो थयो छे, कांग्रेस पराजय थयो छे तो तेने दूरबीन थी पण जोई शकातुं नथी। वधुमां शाहे कह्युं कि पहला एवं मानवामां आवतुं हतुं कि भाजप पूर्वोत्तर में प्रवेश करी शकशे नहीं, पण आ 3 राज्यों में बीजी वखत भाजप अने NDA की सरकार बनी रही छे। पूर्वोत्तर होय कि कर्नाटक के पछी गुजरात, तमाम जग्याए वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी जादू चाले छे।
जो कि अमित शाहे कर्नाटकना बिदर में विजय संकल्प यात्रा शुरू करी हती, जेमा गरीब में गरीब लोगों नू कल्याण करवानो संकल्प लेवामां आवनार छे। कर्नाटक से हजारों किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, तीनों जगह कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। हारे तो हारे, ऐसे हारे हैं कि दूरबीन देकर भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। भारत ना नेतृत्व हेठळ क्वाड सभ्य देशों ना विदेश मंत्रियोंनी बैठक शुक्रवारे नवी दिल्ली में योजाई हती। आ बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा करवामां आवी छे। आ बैठक में यूएस विदेश सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलियन विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान ना विदेश मंत्री हयाशी योशिमासाए बैठक में भाग लीधो हतो। क्वाड देशों मुक्त और ओपन इंडो पेसिफिक माटे प्रतिबद्धता व्यक्त करी हती। त्यारे क्वाड द्वारा आरोग्य, सलामती, आबोहवा परिवर्तन और नवीनीकरणीय ऊर्जा, महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकी जो है माळखागत सुविधाओ है और कनेक्टिविटी है जेवा समकालीन पड़कारों जेवा मुद्दाओ पर सहकार आपवा मांगीए छीए ते रीते बात करी हती। आंध्र प्रदेश में अदाणी ग्रुप बे सीमेंट मेन्युफेक्चरिंग प्लांट 15,000 मेगावॉट थी अक्षय ऊर्जा प्लांट और डेटा सेंटर की स्थापना करते। शुक्रवार गौतम अदाणी पुत्र करण अदाणीए कहूं कि अदाणी ग्रुप राज्य में तेमना कारोबार ने बमणो करवा मांगे। सीमेंट प्लांट थी राज्य में 18,000 प्रत्यक्ष और 54,000 परोक्ष रीते रोजगारी पैदा थशे। करण अदाणीए वधु में कहूं कि राज्य में कड़प्पा और नाड़ीकुड़ी में प्रति वर्ष 1 करोड़ टन सीमेंट उत्पादन क्षमतावाला सीमेंट प्लांट और विशाखापट्टनम में 400 मेगावॉट डेटा सेंटर स्थापित कराशे। सुप्रीम कोर्ट थी निराश थया बाद दिल्ली ना पूर्व नायब मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया राउज एवन्यू कोर्ट में जामीन अरजी दाखिल करी छे। शराब कौभांड में धरपकड़ करायेला सिसोदिया की अरजी पर शनिवार सुनावणी थई शके छे। आ पहला सुप्रीम कोर्टे तेनी अरजी फगावी दीधी हती और मनीष सिसोदिया ने निचली कोर्ट में जवा कह्युं हतुं। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली ना कथित दारू कौभांड में आरोपी बनावामां आव्या छे। 26 फेब्रुआरीए सीबीआई द्वारा 8 कलाक की पूछपरछ बाद सिसोदिया की धरपकड़ करवामां आवी हती। बीजा दिवसे तेने राउज एवन्यू कोर्ट में रजू करवामां आव्यो हतो। कोर्टे तेने 5 दिवस सीबीआई रिमांड पर मोकलवामां आव्यो हतो। सुप्रीम कोर्टे शुक्रवार भागेड़ू उद्योगपति विजय माल्या की अरजी फगावी दीधी थी, जेने आर्थिक अपराधिक जाहिर करने संपत्ति जप्त करने मुंबई की कोर्ट में जी कार्यवाही करवामां आवी रही है तेने पड़कारती अरजी फगावी दीधी थी। कोर्टे विजय माल्या वकील की कार्यवाही अटकावानी अरजी ने फगावी दीधी है कारण के तेने दलील करी थी कि तेमने आ मामले अरजदार तरफ की कोईपण सूचना मिली रही नहीं। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की बनेली बेंचे जणाव्युं हतुं कि आ रजूआत ने ध्यान में राखीने कार्यवाही न करवा माटेनी अरजी ने फगावी देवामां आवे छे। टोचनी अदालते 7 डिसेम्बर 2018 रोज माल्या की अरजी पर एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोटिस रजू करी थी और मुंबई की विशेष प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट कोर्ट समक्ष तपास एजेंसी ने स्टे आपवानी अरजी फगावी थी। 5 जानुआरी 2019 रोज विजय माल्या ने पीएमएलए एक्ट हेठ मुंबई की विशेष अदालत द्वारा भागेड़ू जाहिर करवामां आव्यो हतो। भारत की टेक इंडस्ट्री लांबा समय थी देश में डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल ने लागू करने की मांग कर रही है। हवे केंद्रीय सूचना टेक्नोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णवे प्रायोरिटी पर आ बिल ने पास करावानो विश्वास व्यक्त कर्यो छे। जो कि तेने लईने टेक इंडस्ट्रीजना संगठन नास्कॉमे एक महत्वनी बात करी छे। नास्कॉमे ट्विटर पर एक संदेश में आ बिल ने देश माटे खूब ज जरूरी गणाव्यु छे। नास्कॉम नु कहेवुं छे कि आ बिल लागू थवाथी भारत दुनिया में एक विश्वासपात्र राष्ट्र तरीके एक नवी ओळख मेळवी शकशे। नास्कॉमे पोताना ट्वीट में लख्यू छे कि टेक इंडस्ट्रीज ए केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल डेटा सुरक्षा बिल ने झड़पथी लागू करवानो प्रस्ताव कर्यो हतो। आ बिल भारत ने एक विश्वासपात्र राष्ट्र तरीके ओळख आपशे। तो केन्द्रीय मंत्रीए अमने विश्वास अपाव्यो छे कि आ बिल ने झड़पथी संसद में लावा माटे तमाम पगला लेवामां आवशे। आ तेमनी टॉप प्रायोरिटी में रहेशे ने एटलू ज नहीं केन्द्रीय मंत्रीए कह्युं छे कि बिल में संचार अने माहिती टेक्नोलॉजी पर संसदनी स्थायी समितिना सूचनाओने पण सामेल करवामां आवशे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में शुक्रवार अदालत में जाने के फेरवाई गई होय तेवी स्थिति उभी थई हती कारण कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महानाए 6 पोलिस कर्मचारियों ने सजा फटकारी थी।
तमाम पुलिस कर्मचारियों विरुद्ध विशेष अधिकार भंग केस में सुनावणी हाथ धरवामां आवी हती। जे बाद गृहनी समितिए 27 फेब्रुआरीए तमाम ने दोषित ठेरव्या हता ने त्यारबाद शुक्रवारे सजानी प्रक्रिया हाथ धरवामां आवी हती। विधानसभाना अध्यक्ष सतीश महानाए दोषित पुलिस कर्मचारीओने गृहमां हाजर करवानो आदेश आप्यो हतो। जूनी विशेषाधिकार समितिए आ पुलिसकर्मीओने दोषित गणाव्या हता अने तेमनी सामे सखत सजानी भलामण करी हती। अयोध्यामां भव्य राम मंदिर बनी रह्युं छे त्यारे शुक्रवारे भारत सरकारना माहिती अने जनसंपर्क विभागना सचिव अपूर्व चंद्राए मंदिरनी समीक्षा करी हती। अयोध्या पहोंच्या बाद तेमणे राम जन्मभूमिमां बनी रहेला भव्य राम मंदिरनुं निरीक्षण कर्युं अने साइट पर पहोंची एंजीनियरो साथे मुलाकात करी हती। और यहां पर जो है अब इसका मूर्त स्वरूप अब देखने को मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से सबको ही पूरी अपेक्षा है। और जैसा कि बताया गया कि आज यहां पर 25,000 से अधिक लोग रोज आते हैं, पर जैसे ही मंदिर पूरा होगा अपेक्षा यही है कि लाख से भी ऊपर आएंगे, और जो फेस्टिवल रामनवमी जैसे में तो और कितने अधिक लोग आएंगे। और ये केवल देश का ही लिए ही मंदिर नहीं है, केवल हिंदू समाज का ही नहीं है, सभी समाजों के लिए, और देश विदेश सब जगह से लोग तीर्थ पे आएंगे। जेल में बंद सुकेशे फरी एक बार पोताना पत्र थी केजरीवाल सरकार ने हचमचावी दीधी छे। सुकेशे सीएम केजरीवाल मनीष सिसोदिया और सत्येन्द्र जैन पर गंभीर आरोप लगाव्या छे। सुकेशे दाव कर्यो छे कि 25 मार्च 2017 रोज केजरीवाल सिसोदिया और सत्येन्द्र जैने तेमना जन्मदिवस पर ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे गीत गायु हतु, परंतु पैसाना लोभ ने कारण तेमने वचन तोड़ियु हतु। सुकेशे केजरीवाल ने कहूं कि तमे मने ठग कहो छो, परंतु तमे सौथी मोटा कौभांडी छो। सुकेश चंद्रशेखरे सीएम केजरीवाल पर अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट द्वारा 1,000 करोड़ रूपयानु कमीशन लेवानो आरोप लगाव्यो हतो। सुकेशनो दावो छे कि बाळकोने टेबलेटना वितरण माटे तैयार करवामां आवेला आवता पहेला ड्राफ्टमां मारा मार्फत चीननी एक कंपनी पासेथी टेबलेट खरीदवामां आव्या हता, परंतु बीजी कंपनीए मने 20% वधु कमीशन आपवानी लालच आपी, तेथी केजरीवाल सरकारे मने टेन्डर आपवाने बदले बीजाने टेन्डर आपवानुं नक्की कर्युं। પ્રયાગરાજમાં થોડા દિવસે ઉમેશ પાલ અને તેના બે ગર્નર્સની હત્યા બાદ યુપી સરકાર એક્શનમાં આવી ગઈ છે। સતત ચોથા દિવસે બુલડોઝરની કામગીરી ચાલુ રાખવામાં આવી છે। શુક્રવારે માફિયા અતિક અહેમદના અન્ય નજીકના મિત્ર મશફુદીના અલીશાન ઘરને બુલડોઝર વડે તોડી પાડવામાં આવ્યું હતું। મુશફુદીન પર અતિફ ગેંગને ફંડિંગ કરવાનો આરોપ છે, ત્યારે શુક્રવારે પીડીએ અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ટીમ તથા પોલીસ ફોર્સ સાથે 4 બુલડોઝર રાખીને અસરોલી વિસ્તારમાં પહોંચી હતી ને અધિકારીઓએ પહેલા મુશફુદીનનું ઘર ખાલી કરાવ્યું હતું ને બાદમાં તેના પર બુલડોઝર ફેરવીને તોડી પાડ્યું હતું। 250 ચોરસ મીટરમાં ફેલાયેલા આ આલિશાન ઘરની કિંમત 3 કરોડ રૂપિયા હોવાનું કહેવાય છે। इसका नोटिस आई थी, नक्शा मैंने दाखिल किया, नक्शे पे क्वेरी किया गया, नक्शे पे मुझसे क्वेरी किया गया, क्वेरी का मैंने जवाब दिया सितंबर में। अपना नाम बता दीजिए। जुनैद अहमद। आप कौन हैं? ये मकान है किसका? वैसे मेरी बेटी का। आपकी बेटी का नाम ये मकान है? हाँ, इसको मासूक जी ने ट्रांसफर किया है। हाँ, बेटी को, क्योंकि पुश्तैनी जमीन थी, मासूक की भी नहीं है, मासूक की दादा बाबा की जमीन है। मासूक कोई पर्सनल खरीदे या वो नहीं है। नक्शा बता तो रहे कि अगस्त में मैंने दाखिल किया नक्शा, सितंबर में मुझसे क्वेरी की गई, सितंबर में मैंने उसका जवाब दिया क्वेरी का। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શુક્રવારે નેશનલ પીપલ્સ પાર્ટીના વડા કોનરાડ સંગમાને મેઘાલય વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં તેમના પ્રશંસનીય પ્રદર્શન માટે અભિનંદન પાઠવ્યા હતા। તેમણે કહ્યું કે તેઓ મેઘાલયની પ્રગતિ માટે એનપીપી સાથે કામ કરવાનું ચાલુ રાખવા માટે આતુર છે। બીજી તરફ સંગમા રાજ્યપાલ ફાગુ ચૌહાણને મળ્યા હતા અને નવી સરકાર બનાવવાનો દાવો રજૂ કર્યો હતો। વડાપ્રધાન મોદી વતી સંગમા દ્વારા કરવામાં આવેલા ટ્વીટના જવાબમાં આ પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી હતી। तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा संगमाना नेतृत्व में सरकार की रचना माटे एनपीपी ने समर्थन पत्र सौंपया बाद तेमणे ट्वीट करीने बीजेपी नेतृत्व नो आभार मान्यो हतो, जेना जवाब में पीएम मोदीए ट्वीट करीने कहूं कि हूं कोनराड संगमाने मेघालय विधानसभा की चूंटी में तेमनी पार्टी प्रशंसनीय प्रदर्शन माटे अभिनंदन आपवा मांगू छू। તમિલનાડુમાં બિહારી મજૂરોને માર મારવાના મુદ્દાનો વિવાદ સતત વધી રહ્યો છે। મજૂરો પર હુમલાનો મુદ્દે ગૃહમાં હોબાળો મચ્યો હતો। ભાજપના નેતાઓએ કહ્યું કે મુખ્યમંત્રી નીતિશકુમારને મળીને તમિલનાડુમાં મજૂરો પર હુમલા મુદ્દે વાત કરી છે, જે બાદ નીતિશકુમારે તાત્કાલિક ડીજીપીની ટીમ મોકલીને તપાસ કરવાના આદેશ આપ્યા હતા। સમગ્ર મુદ્દો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ વીડિયોથી શરૂ થઈ રહ્યો છે, જેમાં બિહારના પ્રવાસી મજૂરો પર તમિલનાડુમાં હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો।
જે અંગે બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારની પ્રતિક્રિયા બાદ હવે બીજેપી નેતાઓ પણ પ્રતિક્રિયા આપી હતી. પરિવાર કે લોગ યે બતાને કે લિયે ઉત્સુક હૈ કે હમારે સાથ ક્યા ક્યા પીડા હુઆ. વહાં કે એક પરિવાર કે લોગો કી હત્યા કી ગઈ, ઉનકી પત્ની નેહા કા ભી બયાન આ રહા હૈ. આજ ઇસસે બડા દુર્ભાગ્ય ક્યા હો સકતા હૈ કી સરકાર ઝૂઠ બોલ રહી હો, પુલિસ મહકમા ઝૂઠ બોલ રહા હો. ये पूरी तरह गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. बिहार के नौजवानों की हत्या की गई और बिहारियों पर अपमान किसी भी हालत में हम नहीं सह सकते. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करियो हतो, जेमा माइक्रोसॉफ्ट ना को फाउंडर बिल गेट्स गिचड़ी ने तड़को लगावता होय तेवू जोवा मळ्युं छे. સ્મૃતિએ લખ્યું હતું કે ભારતના સુપર ફૂડ અને તેના પોષક તત્વો વિશે જાણીને બિલ ગેટ્સે ખીચડીમાં તડકો ઉમેર્યો હતો. ભારતમાં ચાલી રહેલી G20ની બેઠકમાં મીટિંગ સંદર્ભે બિલ ગેટ્સ ભારત આવ્યા હતા. માઇક્રોસોફ્ટના સ્થાપક બિલ ગેટ્સે ગઈકાલે એક ભારતીય બાળકના અન્નપ્રાશન સંસ્કાર જે છે તે કર્યા અને ખીચડી કેવી રીતે બનાવી તે પણ શીખ્યા હતા. તો માઇક્રોસોફ્ટના સ્થાપક બિલ ગેટ્સે મહિલા અને બાળ વિકાસ તથા નવા ભારતની મહિલાઓની ઉજવણીમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે ભાગ લીધો હતો. આ પ્રસંગે તેઓ પોષણ 2.0 યોજના હેઠળ કામ કરતા પ્રશાસકોને પણ મળ્યા હતા. દુનિયાના સૌથી પ્રીમિયમ બ્રાન્ડ ગણાતા આઈફોનની ભારતમાં બોલબાલા છે અને ખાસ કરીને કોરોના મહામારી દરમિયાન આઈફોન બનાવતી કંપની એપલ કે જે એસેમ્બલરોને ચીનમાં પડેલી મુશ્કેલીને કારણે તેઓએ હવે ભારત તરફ દોટ મૂકી છે. હવે એપલ માટે આઈફોન બનાવતી જાયન્ટ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ કંપની ફોક્સકોન ટેકનોલોજી ભારતમાં ઉત્પાદન વધારવા માટે $700 મિલિયન એટલે કે રૂપિયા 5,740 કરોડનો ખર્ચ કરી નવો પ્લાન્ટ સ્થાપવાની તૈયારી કરી રહી છે. આ રિપોર્ટ અનુસાર તાઇવાનની કંપની આઈફોનના પાર્ટ્સ બનાવવા માટે બેંગ્લોર એરપોર્ટ નજીક 300 એકર જમીન પર પ્લાન્ટ સ્થાપવાની યોજના બનાવી રહી છે. આ પ્લાન્ટમાં એપલના હેન્ડસેટને પણ એસેમ્બલ કરી શકાશે અને આ સિવાય ફોક્સકોન પ્લાન્ટનો ઉપયોગ તેના ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ બિઝનેસના કેટલાક ભાગો બનાવવા માટે પણ કરી શકે છે. આ રોકાણ ભારતમાં ફોક્સકોન દ્વારા કરવામાં આવેલી સૌથી મોટા સિંગલ રોકાણમાંનું એક હોઈ શકે છે. ઉઝબેકિસ્તાનમાં કફ સિરપથી કથિત મૃત્યુના કેસમાં પોલીસે નોઈડામાં આવેલી ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીના 3 અધિકારીઓની ધરપકડ કરી છે. ડિસેમ્બર મહિનામાં ઉઝબેકિસ્તાને દાવો કર્યો હતો કે ભારતીય કફ સિરપને કારણે તેમના દેશમાંથી 18 બાળકોના મોત થયા છે. 3 અધિકારીઓ પર FIR નોંધાયા પછી ફરિયાદના આધારે ભારતના સેન્ટ્રલ ડ્રગ સ્ટાન્ડર્ડ કંટ્રોલ ઓર્ગેનાઇઝેશનના ડ્રગ ઇન્સ્પેક્ટર દ્વારા કરવામાં આવી છે કાર્યવાહી, જેમાં ભારતીય કંપની મેરિયન બાયોટેકના 2 ડાયરેક્ટર સહિત 5 લોકોના નામ સામે આવ્યા હતા. ઉઝબેકિસ્તાનમાં 18 બાળકોના કથિત મૃત્યુ બાદ ઉત્તર પ્રદેશ ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશન વિભાગે સેક્ટર 67 સ્થિત ફાર્માસ્યુટિકલ ફર્મ મેરિયન બાયોટેક પ્રાઇવેટ લિમિટેડનું ડ્રગ મેન્યુફેક્ચરિંગ લાયસન્સ સસ્પેન્ડ કર્યું હતું. कि ये जो कंपनी ड्रग बनाती है वो जो मानक है उसके अनुसार नहीं बनाती है, ये एडल्ट्रेटेड ड्रग है और स्प्यूरियस है. तो इस जांच के बाद कल नॉर्थ जोन के आशीष कोंडल हैं जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने एक लिखित तहरीर दी थी और उस पर फिर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था और वो 5 लोगों के खिलाफ लिखा गया. इन 5 लोगों में से आज 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. ઓસ્ટ્રેલિયાએ ઇન્દોર ટેસ્ટ મેચ 9 વિકેટે જીતી લીધી છે અને આ જીત સાથે તેણે WTC ફાઇનલમાં જગ્યા બનાવી લીધી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ 76 રનનો ટાર્ગેટ ખૂબ જ સરળતાથી ચેસ કર્યો હતો. ટ્રેવિસ હેડ 49 અને લાબુશને 28 રન બનાવીને અણનમ રહ્યા હતા. ભારત તરફથી એકમાત્ર વિકેટ આર અશ્વિનને મળી હતી, ત્યારે 4 ટેસ્ટ મેચોની સિરીઝની ત્રીજી ટેસ્ટનો નિર્ણય પણ ત્રીજા દિવસે આવ્યો હતો. ઇન્દોર ટેસ્ટમાં ભારતની શરમજનક હાર થઈ ગઈ છે અને આ મેચ હારવા છતાં ભારત સિરીઝમાં 2-1થી આગળ છે. રવિચંદ્રન અશ્વિને પહેલી જ ઓવરમાં ટીમ ઇન્ડિયાને સફળતા અપાવી હતી. હરિયાણાના અંબાલામાં એક ભયાનક અકસ્માત થયો હતો, જેમાં 8 લોકોના મોત થયા છે, ત્યારે 20થી વધુ લોકો ઘાયલ હોવાનું કહેવાય છે. હજુ સુધી મૃતકોની ઓળખ થઈ શકી નથી ને આ અકસ્માત પંચકુલા યમુનાનગર નેશનલ હાઈવે 344 પર આવેલા સજાદપુર ગામ પાસે થયું હતું. મળતી માહિતી મુજબ મજૂરો યુપીના બરેલીથી બસમાં બદી જઈ રહ્યા હતા. સજાદપુર નજીક કક્કડમાજરા ગામમાં પહોંચતા જ તેમની બસ પાછળથી આવતી ટ્રોલી સાથે અથડાઈ ગઈ હતી અને અકસ્માત એટલો ગંભીર હતો કે 8 મજૂરોના કરુણ મોત થયા હતા.
होंगकोंग में एक निर्माणाधीन इमारत में भीषण आग लगवानी घटना बनी थी ने आ आग एटली भयंकर थी कि काटमाड़ में लागेली आग जाने कोई ज्वालामुखी फाटो होय अने तेनो लावा मार्गो पर उड़ी रहो होय ते रीते नीचे वरसी रही थी। आ घटना में बे लोको गंभीर रीते दाजी गया था जेमने क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल में खसेड़ाया था। अहेवाल अनुसार होंगकोंगना सिम शाह सुई विस्तार शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में इमारत में आग लगी थी जो कि फायर फाइटर्स की गाड़ियों घटनास्थले धसी आई थी। तमे पण ते दृश्य में जोई ने चौंकी जशो कि जे जगह आग लगी त्यां पहला होंगकोंग की प्रसिद्ध मरीनर क्लब आवेली हती जेनी शुरुआत होंगकोंग पूर्व गवर्नर डेविड ट्रेंचे 1967 में करी थी। तेणे 2018 में तोड़ी पाड़वामां आवी अने हवे त्यां 42 माळनी क्रिप्टन होटलनुं निर्माण चाली रह्युं हतुं। રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને યુક્રેન પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે। પુતિને દાવો કર્યો છે કે ગુરુવારે યુક્રેનથી એક જૂથ રશિયન સરહદમાં ઘૂસી ગયું છે અને નાગરિકો પર ગોળીબાર કર્યા છે। માનવામાં આવે છે કે આ ઘટના બાદથી રશિયા હચમચી ગયું છે। આવી સ્થિતિમાં સંઘર્ષ વધુ ઉગ્ર બની શકે છે ત્યારે બ્રાસ્કના ગવર્નર જણાવ્યું હતું કે યુક્રેની હુમલાખોરોએ સરહદી ગામ લ્યુબેયનમાં એક નાગરિક કારમાં ગોળીબાર કર્યો હતો અને જેમાં બે લોકો માર્યા ગયા હતા ત્યારે એક 10 વર્ષનું બાળક ઘાયલ થયું હતું। ત્યારે બીજી તરફ યુક્રેને રશિયન દાવાને નકાર્યો હતો। યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સ્કીના સલાહકાર મિખાઇલોએ આ આરોપ પર ટ્વીટ કરીને કહ્યું કે રશિયા બીજા દેશ પર હુમલો કરવા માટે તેના પોતાના લોકોને ડરાવવા માંગે છે। રશિયાએ અગાઉ કેટલાક યુક્રેનિયન મિસાઇલ્સ અને ડ્રોન હુમલાની જાણ કરી છે જેમાં બ્રાસ્ક ક્ષેત્રનો પણ સમાવેશ થાય છે। આર્થિક સંકટ સામે ઝઝૂમી રહેલા પાકિસ્તાનની હાલત રોજે રોજ બદતર થતી જાય છે। તેમાં આઈએમએફ લોન આપવા તૈયાર નથી તો બીજી તરફ મોંઘવારી રેકોર્ડ તોડતી જાય છે। છેલ્લા 60 વર્ષમાં તે સૌથી ઊંચે પહોંચી છે। ફેબ્રુઆરીના આંકડા પ્રમાણે પાકિસ્તાનમાં મોંઘવારીનો દર 31.6% સુધી પહોંચી ગયો છે। 1965 પછી તે સૌથી ઊંચું સ્તર છે। ડુંગળી, ચિકન, લોટ, દાળ, ખાદ્યતેલ, ઘઉં, ચોખા અને શાકભાજી જેવી જીવન જરૂરિયાતની ચીજોમાં મોંઘવારી છે। પરિણામે એક તરફ પાકિસ્તાનની જનતા મુશ્કેલીમાં ફસાતી જાય છે।